For which value of k will the following pair of linear equations have no solution? अब की बार no solution है, हमने k की value निकालनी है, equation दे रखी है आपके पास, ये भी इसी तरीके से solve होने वाला है। थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन, और दूसरी है 2k माइनस वन इंटू एक्स प्लस के माइनस वन इंटू वाई, 2k माइनस वन इंटू एक्स प्लस के माइनस वन इंटू वाई इज इक्वल टू 2k प्लस वन। तो क्वेश्चन में आपको मैं समझा देता हूं, गिवन क्या है, इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है और आपने वैल्यू किसके निकाल ली है, k की। इज इट क्लियर? चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, आप सॉल्यूशन में नहीं लिखेंगे इसको। तो इसको हम पहले उसी फॉर्म में लिखते हैं, ax plus by plus c is equal to zero की फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहां से 3x plus y minus 1 is equal to zero, इक्वेशन नंबर 1। दूसरे वाले को भी हम इसी फॉर्म में लिखेंगे, 2k minus 1 into x plus k minus 1 into y plus, बल्कि इसको इधर ही ले आए, माइनस का 2k माइनस का वन इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर टू। अब यहां पे आप ए वन बाई टू निकालिए, ए वन है आपका थ्री, ए टू है आपका टू के माइनस वन, बी वन बाई टू निकालिए, बी वन आपका यहां पे वाई का कोफिशिएंट वन है और बी टू है आपका के माइनस वन, और C1 वन बाय सी टू निकालिए, C1 है आपका माइनस वन अपॉन C2 है आपका माइनस का टू के माइनस का वन। इज इट क्लियर? अब सिंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है इसका, सो ए वन बाय ए टू इज इक्वल टू बी वन बाय बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन बाय सी टू। यहां से इसको हम कंपेयर करेंगे, थ्री अपॉन टू के माइनस वन इज इक्वल टू वन अपॉन के माइनस वन इज नॉट इक्वल टू, यहां से अगर हम माइनस कॉमन निकाल लें, ये वन प्लस का हो जाएगा, माइनस से माइनस इधर कैंसिल हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू क्या आएगा, वन अपॉन टू के प्लस वन। चलिए इसमें पहले वाली दो इक्वेशन तो इक्वल है ना, कंपेयरिंग फर्स्ट टू, इन्हीं को कंपेयर कीजिए, चलिए कंपेयर करते हैं इसको, थ्री अपॉन 2k माइनस वन इज इक्वल टू वन अपॉन के माइनस वन, यहां पे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से 3k माइनस का 3 इज इक्वल टू 2k माइनस का 1, 2k को उधर ले गए, 3 को उधर लेके जाए, 3k माइनस का 2k इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस का 3। तो यहां से आपकी k की वैल्यू आ रही है माइनस वन प्लस थ्री टू। अब बच्चों इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां से हमारी k की वैल्यू टू आ रही है, लेकिन हमने k की वैल्यू
यहाँ पे पुट करना जरूरी है, क्योंकि अगर पहले वाले दो तो इक्वल आने चाहिए लेकिन तीसरा इक्वल नहीं आना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है कि गलती से k इक्वल टू पुट करने से अगर ये दोनों भी इक्वल आ जाते हैं फिर हमारे पास k की ये चॉइस खत्म हो जाएगी। पूछो कैसे? अब जैसे a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2, इनको इक्वल करने पर तो k इक्वल टू आई है, मतलब अगर हम k इक्वल टू पुट करेंगे तो a1 by a2 और b1 by b2 इक्वल आएंगे। इज इट क्लियर? नो सॉल्यूशन के लिए हमें क्या चाहिए कि ये दो तो इक्वल आए लेकिन ये तीसरा इक्वल ना आए। अगर तीसरा इक्वल आ गया तो हमारी ये कंडीशन नो सॉल्यूशन वाली खत्म हो जाएगी, क्योंकि तब हमारे पास क्या बनेगा, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2 बन जाएगा, और जो हमारी इस कंडीशन को खत्म कर देगा, क्वेश्चन को खत्म कर देगा। तो इसका मतलब फिर क्या हो जाएगा, हमारे पास k की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं बचेगी जो इसको नो सॉल्यूशन बना सके। लेकिन इतना लंबा में जाने की जरूरत नहीं है, k के लिए टू पुट करके देखें। यहाँ पे टू टू द फोर माइनस वन थ्री, थ्री अपॉन थ्री आएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट होकर 1/1 आएगा। यहां से 1/2 माइनस वन वन, यहां से भी 1/1 आएगा, ये भी 1/1, ये भी 1/1। लेकिन यहाँ पे पुट करें k के लिए टू, टू टू द फोर प्लस वन फाइव, तो आपके पास रेशो ये बन रही है 1/1 इज इक्वल टू 1/1, और यहां से क्या ये 1/5 के इक्वल नहीं है। तो हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है नो सॉल्यूशन वाली। ये कंडीशन कब फुलफिल हुई, जब k की वैल्यू 2 आई। तो हमारा क्वेश्चन भी यही था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, और यहां से हमारी k की वैल्यू क्या आई है, 2। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कंप्लीट। सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यानी एक क्वेश्चन दे रखा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, आपने उसको दो अलग अलग मेथड से सोल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी। इस क्वेश्चन को देने का मोटिव इनका यह है कि अगर किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो उसे आप चाहे जिस मर्जी मेथड से निकाल लें, उसके सॉल्यूशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट लिखे, क्वेश्चन नंबर 3, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यानी अब की बार आपने इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सोल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सोल्व करना है। चलिए इक्वेशन आपकी 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, और दूसरा पेयर है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। पहले हम चेक कर लेते हैं क्या मेथड एप्लीकेबल है या नहीं। यहां पे a1 by a2 आपका 8 by 3, जरूरी नहीं कि आपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन में ही चेक करने हैं, आप इसको रफली भी चेक कर सकते हो। और यहां पे b1 by b2 है आपका 5 by 2, तो यहां पे a1 by a2 is not equal to b1 by b2 है, so both methods are applicable। दोनों मेथड्स का, दोनों क्या, तीनों मेथड्स का यूज कर सकते हैं। अब पहले हम इसको सोल्व करने के लिए यूज करने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड नंबर 1 by substitution method। बोले तो नहीं हो ना, बोलिए। पिछले वाले लेक्चर में आपको बताया था। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है देखो बच्चों, अब फर्स्ट या सेकंड आपको फिर से रिमाइंड करवा देते हैं, फर्स्ट या सेकंड में से कोई एक इक्वेशन निकालिए। फर्स्ट ले लेते हैं, यहां से हम वाई वैल्यू निकाल लेते हैं एक्स की फॉर्म में, यहां से आपका आएगा 5y इज इक्वल टू 9, 8x प्लस का उधर जाके माइनस का
तो y के जो आ जाएगी 9 माइनस 8x अपॉन 5, 5 मल्टीप्लाई में तो जाके डिवाइड में, इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। ये वाली वैल्यू आप किस में से निकाल लिए, फर्स्ट में से, पुट किस में करेंगे, सेकंड में। चलिए पुट करते हैं, सो यहां पे लिख दे फर्स्ट में से निकाल लिए तो हम पुट किस में करेंगे, सेकंड में। सो 3x प्लस 2 इंटू y की वैल्यू पुट करें, 9 माइनस 8x अपॉन 5 इज इक्वल टू 4 बाय 1। यहां से आप एलसीएम लीजिए इनका, एलसीएम आ रहा इनका 5, 5 के इसके साथ मल्टीप्लाई, 15x प्लस 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो 2 की डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें इसके साथ, 2 9 जा 18 माइनस का 2 8 जा 16x इज इक्वल टू 5 को 1 से डिवाइड करें 5, 5 की 4 से मल्टीप्लाई 20। तो यहां पे इक्वल टू के दोनों साइड एलसीएम लिया गया है, तो एलसीएम यहां से हट जाएगा, तो दिस इंप्लाइज 15x प्लस का 16x माइनस का, तो माइनस का 1x इज इक्वल टू 18 प्लस का उधर जाके माइनस का 20 माइनस 18, यहां से आएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, दिस इंप्लाइज एक्स की वैल्यू आएगी आपकी माइनस 2, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी आपकी माइनस 2। तो आप एक्स की वैल्यू थर्ड में रख दें, पुट इन इक्वेशन नंबर 3, यहां से वाई की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू माइनस 2 रखें यहां पे, यहां पे 9 माइनस 8 इंटू माइनस 2 और डिवाइड बाय 5, तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस इंटू माइनस प्लस 8 टू द 16, 16 प्लस 9 25 डिवाइड बाय 5 कैंसिल आउट हो गए, y की वैल्यू आ जाएगी 5। चाहे तो आप इसमें यूज करके देख सकते हैं हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक है। इसके बाद इसको सोल्व करने के लिए हम नेक्स्ट मेथड कौन सा यूज करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड सेकेंड पार्ट बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। अब यहां से ध्यान दीजिए, पहले इसको हम उसी फॉर्म में लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, हमारे पास इक्वेशन है 8x प्लस 5y, 9 प्लस का उधर जाके माइनस का, माइनस का 9 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज प्लस सेकंड का थर्ड का, क्योंकि तो यही क्वेश्चन है, तो इक्वेशन नंबर 4 लिख देते हैं इसको, आगे इक्वेशन लिखिए 4 प्लस का इधर आके माइनस का, यहां पे आएगा 3x प्लस का 2y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो चलिए इसको सोल्व करने के लिए हम पहले ही चेक कर चुके हैं a1 by a2 is not equal to b1 by b2 है, तो हम दोनों मेथड्स का यूज कर सकते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए हम आगे क्या करेंगे, सो x y और 1, इसके नीचे हम पहले क्या लिखते हैं 2 3 1 2, यानी 5 माइनस 9 8 और लास्ट वाली टर्म 5, ऐसे सेकंड इक्वेशन में 2 3 1 2, 2 माइनस 4 3 2। तो हम क्या करेंगे यहां पे, x अपॉन पहले वाले की क्रॉस मल्टीप्लाई 5 के माइनस 4 के साथ, माइनस का 20, माइनस का साइन लगा के 2 की माइनस 9 के साथ, माइनस का 18 इज इक्वल टू y अपॉन इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस 9 की 3 के साथ, माइनस 27, माइनस का साइन लगा के माइनस 4 की 8 के साथ, माइनस का 32
इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 की 2 के साथ 16 माइनस 3 की 5 के साथ 15। यहां से इसको सॉल्व कीजिए। दिस इंप्लाइज पहले x वाली टर्म x अपॉन माइनस 20 माइनस माइनस प्लस 18 माइनस 2 इज इक्वल टू y अपॉन माइनस का 27 माइनस माइनस प्लस का 32 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। तो एक बार x अपॉन माइनस 2 को 1 के इक्वल रखेंगे और एक बार y अपॉन 5 इसको 1 के इक्वल रखेंगे। तो यहां से x की वैल्यू आएगी माइनस 2 और y की वैल्यू आ जाएगी 5। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका यहां से अपने बच्चों ये सीखा कि चाहे मेथड आपका सब्स्टिट्यूशन हो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो या फिर एलिमिनेशन हो, जब हम इसको सोल्व करके x और y की वैल्यू निकालते हैं तो उस वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अभी आपके पास वही सिचुएशन आ गई जो हमारे पास हमने 3.2, 3.3 और 3.4 में किए थे। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ द इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। यानी हमने इन क्वेश्चंस की स्टेटमेंट बनानी है और इसको इन्होंने खुद बोला हुआ है कि किसी भी मेथड से सोल्व करना है। तो यहां से हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट पढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट करेंगे हम, स्टेटमेंट पढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज हैज टेकन फूड, वन हैज टेकन फूड इन द मेस। व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज शी has to pay 1000 rupees as hostel charges, whereas a student B who take food for 26 days pays 1180 as hostel charges. Find the fixed charge and the cost of food per day. तो यही ऐसा ऐसा क्वेश्चन बच्चों हम पहले कर चुके हैं, फिक्स्ड चार्ज और पर डे चार्ज वाला, टैक्सी वाला क्वेश्चन भी किया था, बिल्कुल सेम टू सेम वैसी है। तो क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर फर्स्ट, लेट फिक्स्ड चार्ज, इसको एक्स मान लें, लेट कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इसको मान लीजिए वाई। अभी हमारे पास अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट, पहले स्टूडेंट ए ने कितने दिन के लिए खाना खाया मैस में? 20 दिन के लिए। और उसने कितना बिल पे किया? 1000 का। अब 1000 बिल्कुल उसका खाने का बिल नहीं है, उसमें उसका रहने का बिल भी है, यानी जो फिक्स चार्ज है वो भी है। यानी अकॉर्डिंग टू कंडीशन वन, एक दिन का, अगर एक दिन खाना खाता है उसका रेंट, उसका रेंट वाई है। अगर उसने 20 दिन खाना खाया तो कितना पे करेगा? 20y। और इसमें हम ऐड करेंगे कौन से चार्जेस? फिक्स्ड चार्जेस। तो फिक्स्ड चार्जेस और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, यानी उसके 20 दिन उसने फिक्स्ड चार्ज जो दिया, 20 दिन जो खाना खाया, उनका जो मिला के जो कॉस्ट बनती है वो कितनी बनती है? 1000। इक्वेशन नंबर 1। इसी टाइप से अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड,
दूसरे बच्चे ने 26 दिन तक खाना खाया और उसने पे कितना किया, 1180, यानी फिक्स चार्ज प्लस 26 दिन का खाना 26y इज इक्वल टू 1180। इक्वेशन नंबर 2। अब इन्होंने क्या किया है, मेथड को सोल्व करने के लिए इन्होंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी है कि आपने इसी मेथड से सोल्व करना है, इन्होंने ये बोला है कि आप उसको किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हो। तो अब ध्यान से देखिए, हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, एलिमिनेशन मेथड हमने यूज करना अच्छा रहेगा। फर्स्ट में से सेकंड को डायरेक्ट माइनस कीजिए क्योंकि एक्स वाले इक्वल है, माइनस 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 एक्स एक्स कैंसिल, 20y प्लस का 26y माइनस का, तो माइनस का 6y इज इक्वल टू 1000 प्लस का 1180 माइनस का, तो माइनस का 180 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, यहां से y की वैल्यू आएगी 180 डिवाइड बाय 6, कैंसिल आउट हो गए 30, यानी y की वैल्यू कितनी आई है 30। पुट करें इसको फर्स्ट या सेकंड किसी में पुट कर दें, हम फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। सो x प्लस 20 इंटू वाई की वैल्यू है 30 इज इक्वल टू है 1000, तो यहां से x प्लस 600 इज इक्वल टू 1000, 600 प्लस का उधर जाके माइनस का, तो x की वैल्यू आ जाएगी 400। तो जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा गया है आप उसको उसी लैंग्वेज में आंसर देंगे। सो फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू 400 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे वाई क्यू कितनी है 30, तो पर डे फूड की कॉस्ट कितनी है 30 रुपीज। इज इट क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन।